एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल डिंगिया जी के लिए। बहुत मनोभाव के साथ कविताएं सुनाई, मेरे बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। मैं उनके बारे में इसलिए क्यों नहीं कहूँगा कि वो इस स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है कि मेरे देश का बड़ा कवि इनके बारे में कुछ कहे। एक बार जोरदार तालियां इनके अपमान में बजाएं। और साहब हमारा तो ऐसा है, अपन तो कवि अभी है नहीं है, इनको पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से मैं रामलीला में रावण का ही रोल कर रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना आप, उसमें मेरी फोटो रावण के रूप में मिलेगी। अच्छा हुआ आपको नहीं उनके। अच्छा चलो, एक गंजा आदमी मंच पे आया। कसम खुदा की जब मैं किसी गंजे को देखता हूँ मेरा मन हौसला बढ़ जाता है कि कम से कम इनसे ज्यादा बाल मेरे सर पे हैं। और ये टोपी अपने गंजत्व को छिपाने के लिए लगा रखी है। और आपको मालूम है एक दो पंक्तियां हैं, मैं उर्दू का शायर भी हूँ, मैंने कहीं लिखा कि कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, कमाल कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, तमाम गंजों की किस्मत में बाल दे भगवन। और बालों का तो ऐसा है साहब कि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं। घर में जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं जैसे देखो मफत लाल जी जैसे, और जब लुगाई सर पे हाथ फेरती है तो अभी जो आए थे देखा ही था। वो कई तो ऐसे हैं ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले की पूरी लुगाइयों ने हाथ फेर दिया हो, सूपड़ा साफ। तो ये मौज मस्ती का काम है। अच्छा वो बिटिया कह रही है इनके तो है ही नहीं है, बहुत ये मौज मस्ती का है। और देखो साहब हमारा तो ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई साहब वहां से सारे जुलूस निकलते हैं, मौत का, मैयत का, भाजपा का, कांग्रेस का, सब जुलूस निकलते हैं। दिमाग जब खराब हो गया, कल एक जुलूस निकला, एक मैयत निकली जिसके हाथ में हंडी थी, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मैंने उसकी मुस्कुराहट देख के मैंने कहा यार मरने वाले के साथ, और उसके साथ एक कुत्ता चल रहा था, उसको ढेर सारी मालाएं डाल रखी हुई थी, और वो नारा लगा रहे थे गड्ढा बचा के खंभा बचा के, गड्ढा बचा के खंभा बचा के। मैंने कहा मेरे बाप भारतीय संस्कृति में नारा लगाते राम नाम सत्य है, अरे कहले पंडित जी चुप रहो तुम्हें अपनी पड़ी है, सामने वाले की लुगाई मर गई है। अरे मैंने कहा तो भाई फिर अपने ये नारा क्यों, मैंने कहा ये क्या माजरा है, कहले कुछ नहीं वो अपने वर्मा जी हैं उनकी लुगाई मर गई है। कहले कैसे मर गई, कहले कि कुत्ते के खाने से मर गई। तो मैंने कहा ये कुत्ता साथ में क्यों चल रहा है, कहले कि इसी के खाने से तो मरी है। तो मैंने कहा यार ये कुत्ता 2 दिन के लिए हमें दे दो। बोला पंडित जी ये जितनी भीड़ है से कुत्ता मांगने वालों की है। तो मैंने कहा ये गड्ढा बचा के खंभा बचा के क्यों बोल रहे हो, अरे यार किले के पहले इनकी बीवी मर गई थी, अर्थी खंभे से टकरा गई, वो फिर जिंदा हो गई, इसलिए वो चिल्ला चोट करते जा रहे गड्ढा बचा के खंभा बचा के, समस्या इधर फंसी पड़ी है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। गेट आओ भाई साहब बहुत बढ़िया, काली शर्ट पहन के आए हो, ये कवि सम्मेलन का विरोध है कि समर्थन है, हाँ हा, नहीं अरे गंजे भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको देख के मुझे लगा मेरी पत्नी ने मेरे मफत लाली मुझसे कह लगे यार संतोष तुझे बालों में डाई क्यों लगवाता है, ये बाल काले क्यों करवाता है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं मुंह काला नहीं करवा सकता इसलिए बाल ही काले करवा लेता हूँ। ये मौज मस्ती का विषय है दोस्तों। हास्य व्यंग का एक बड़ा कवि बेटा, हाँ मैं सुना रहा था कि क्या बताऊँ आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी, इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया, इससे ज्यादा एक पति कर भी नहीं सकता है। दोस्तों आगरा से हमारे बीच में एक हास्य व्यंग का बड़ा नाम हमारे बीच में इस मंच का सबसे स्मार्ट टीवी है, आप देखें एलेश शर्मा जिनका नाम है, आ जाइए भाई साहब हमारी किस्मत में आप ही लिखे हो। मैं बरसों से सोच रहा था कि कोई कवित्री मेरे गले में माला डाल दे, हाँ और क्या। देखो अपन तो ऐसे आदमी है जो पड़ोसी के जनरेटर से ज्यादा लाइट चलाते हैं,
क्या बात है, बहुत अच्छा भाई साहब। देखो अगर मैंने इनके बारे में इतना हाँ, मैं हटा लूं दो गंजे एक साथ कैसे लगेंगे? क्या है, पेपर में छपना चाहिए दो गंजे एक साथ, तीसरा गंजा साथ में, बहुत बढ़िया। देखो ये कमाल, देखो एक गंजे ने पिनाई दूसरे ने नहीं पिनाई। हाँ वो तो है ही, हमें तो शादी में भी दो के साथ एक फ्री मिला। तो आइए दोस्तों, एलेश शर्मा जी को बुलाता हूँ, बहुत सारी बातें आपसे मुझे करना है। जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको हंसा हंसा के लोटपोट करूँगा। बंशीधर मिश्रा जी बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि हैं, ये मुकेश मासूम पैरोडी का कला बहुत बड़ा कलाकार है। ये हमारी दो बहनें बैठी हुई हैं, इस कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाई तक लेना। विजय बारूद है, ये भी फटेगा अभी बीच में। हमारे सुनील बाबू बैठे हैं शर्मा जी, ये भी ओज की कविताओं से आप तक पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन को और आनंददायक बनाएं। एलेश शर्मा आगरा से हमारे बीच में आए, हास्य व्यंग का कुशल चित्रा, जोरदार तालियों के साथ। जीवन भर जब भी ये लव खोले, वाह, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले। बहुत अच्छा। हमने जीवन भर जब भी ये लव खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले, और दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। जय जय श्री राम। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, वाह, काल खंडों से प्रतीक्षित सृष्टि के प्रारंभ से, वाह, जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था, किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा, न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा, अरे क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं, हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं, किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल शह दक्षता को देखकर, दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है, राम के शुभ आगमन का वक्त वक्त वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, यह भागवत का मंच है और इसकी मर्यादा का हम पूरा ख्याल भी रखेंगे। हम हास्य व्यंग के कवि भी हैं भाई साहब। बड़ी माला पहना रहे थे कि वो किसी कवि ने कहा कि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। हाय हाय, और देखिए आ गए, आ गए, तुम्हारी किस्मत में यही लिखे हैं। हालांकि जब ये भाभी को माला पहना रहे थे तो गलती से ससुर के गले में डल गई थी। मेरी किस्मत में ये लिखे, आपको भाई साहब कैसे पता है मेरी किस्मत कैसे है? नहीं, खास बात रिश्तेदारों को नहीं, खास तौर से ससुराल वालों को तो पता ही होती है। नर को माला नर पहनाए, भाई साहब किस्मत की बात कर रहे थे, भाई साहब को नहीं पता अभी कौन कौन मेरी किस्मत में है। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, तो नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। बजाओ एक बार ताली। बहुत बढ़िया एलेश भाई, बहुत अच्छा, आनंद करेंगे थोड़ी देर। मैं आगरा से आया हूँ भाई साहब, बहुत देर से बता रहे थे, मैं आप शुरू होते हैं। मैं आगरा से आया हूँ भाई साहब, आगरा की दो तीन चीजें बड़ी फेमस है। अच्छा आगरा से याद आया भाई साहब, आप मोबाइल छोड़ दीजिए मुझे देख लीजिए। हाँ वैसे भी पेमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, कम से कम देख ही लीजिए। हाँ भाई, नहीं मफतलाल भाई साहब यहाँ बैठे, ये चाहते तो क्या नहीं करा सकते थे, ये आप जानते हो अग्रवाल आदमी है, पैसे धनाढ्य व्यक्ति है, चाहते तो यहाँ आसाराम बापू जी का सत्संग हो सकता था, ये चाहते तो यहाँ राधे माँ का डांस भी हो सकता था, अगर ये चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा भी बनवा सकते थे, लेकिन ये कवि सम्मेलन करा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत भले आदमी नहीं है, ये बहुत चालाक आदमी है, इनको पता इससे कम में कुछ नहीं हो सकता। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, अजीब सिलसिला। वो भाई साहब आए तो फोन करते हैं भाई साहब हमारे पास, जब भी कवि सम्मेलन होता है कि एलेश कवि सम्मेलन है आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है भाई साहब बताइए, पूछते ही है कौन कौन आ रहा है टीम में, तो बोले भाई साहब आ रहे हैं बहुत बड़े कवि हैं,
बहुत अच्छे बड़े मंच संचालक है। मैंने ठीक है वो आ रहे हैं तो ठीक है, और कितना पेमेंट चाहिए तुम्हें? मैंने कहा भाई साहब आ रहे हैं उनसे 500 रुपये कम दे देना मुझे, क्या दिक्कत है? बोले कि ठीक है फिर तो तुम आ जाओ, उनका 500 ही है। वही वाह वाह, बहुत अच्छा है अलेश भाई। आगरा में सर दो तीन चीजें बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है। एक तो आगरा का ताजमहल, ताजमहल के नाम से याद आया, आपने ताजमहल देखा है? अगर नहीं देखा हो तो देखा हो, बाबा जी की सरकार है, भोले बाबा कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया है। और मैं बता रहा हूँ ताजमहल के दक्षिणी गेट पे 17 बुलडोजर खड़े हैं भाई साहब, मैं सच बताऊं वही पास में ही घर है, कब चल जाए आप एक बार देखा, और जैन में यही रह जाएगा देख नहीं पाया। बजाओ ताली एक बार। एक ताजमहल बड़ा फेमस है साहब, एक आगरा का पेठा, एक आगरा का जूता और एक आगरा का पागलखाना। आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं ऐसा मैं मानता हूं। इस बात पर ताली बजनी थी, मैं तालियां बजाना। देखिए कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत बड़े कवि, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इन बड़े कवियों के राह में पुष्प बिछा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तालियों की आवश्यकता कैसी है भाई साहब बता के गए। एक एक टिप्पणी करता हूँ, इन बड़े कवियों के सम्मान में, इन बड़े कवियों के लिए वास्तव में क्या होता है, ये जितने भी कवि बैठे हैं ये सब चंद्रमाओं के सदृश होते हैं। और ये आप जानते हैं दाऊ जी के लोगों के चंद्रमाओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, जो श्रोतागण बैठे हैं, वे मार्तंड स्वरूप हैं, सूर्य हैं। और जब आपकी किरणें इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, कौन सी किरणें? तालियां रूपी, दाद रूपी, आशीर्वाद। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह अलेश, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं तभी अपनी कविताओं से इस पूरे संसार को सुशोभित कर देते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। तो आगरा का ताजमहल, आगरा का पेठा, आगरा का जूता और आगरा का पागलखाना। मुझे अक्सर उठा दिया जाता है कि साहब आगरा के हैं, आधे पागल हैं, पूरे पागल हैं, लेकिन वास्तविकता ये है। एक और टिप्पणी करता हूँ, आप बड़े लोगों के सम्मान में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अगर शर्ट तक खरीदनी होती है तो भी आप भी आगरा जाते हैं। एक एक टिप्पणी करता हूँ, पागलखाना इस अकलमंदों की दुनिया में, जो अकलमंद है ना, जो ये कहते हैं अकलमंदों की दुनिया में, उनके मानसिक विक्षिप्त हुए माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को जो ठुकरा दिया जाता है ना, उन्हें हम आगरा वाले बाहें फैलाकर अपने घर में पनाह देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी उनको ठीक कर देते हैं और उन्हें उन्हीं अकलमंदों की दुनिया में रहने के लायक बना देते हैं। अगर इसके लिए हम पागल हैं तो हमें गर्व है अपने पागलपन पर। इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं भाई। वाह वाह वाह। और हम तो वैसे भी कृष्ण भक्ति में, माँ राधा की भक्ति में पागल हैं हम ब्रज वाले लोग, तो बजाओ एक बार तालियां। रूप में श्रृंगार, कार्य काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी वालिका। आए हाय हाय। अच्छा अपनी वाली सांवली थी, आपकी गोरी हो तो गोरी गोरी लगा लेना दाऊ जी वालों। हाँ, रूप में श्रृंगार कार काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्ख होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल गई। ए है बाबा, बहुत अच्छा, अच्छा है। तालियां कमजोर है आपकी, बजाओ एक बार। बहुत अच्छे, तालियां बजाते रहो, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करेंगे, सच बता रहे हैं वो भाई साहब। आगरा बड़ा मशहूर है सर, आप लोग जाते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई आप सीधा रामबाग पहुंचते हैं आगरा इलाज कराने। और मैं बताता हूँ आगरा डॉक्टरों की मंडी है। एक बार सर मेरे भी पेट में दर्द हो गया तो मैं पहुंचा अपने बगल वाले डॉक्टर पे, मम्मी ने पहले ही कह दिया था बेटा पथरी है, हम काढ़ा बना देंगे निकल जाएगी। हमने कहा नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने हमें देखा, चेक किया, उसने कहा कि सबसे पहले जाओ एक्सरे करा के लाओ। हम गए एक्सरे करा के लाए, डॉक्टर साहब ने देखा यार मज़ा नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम फिर गए अल्ट्रासाउंड करा के लाए, बोले अब भी मज़ा नहीं आ रहा, सीटी स्कैन करा के लाओ। हम फिर गए सीटी स्कैन करा के लाए, तब डॉक्टर साहब बोले कि हाँ यार इसमें मज़ा आया, अब पता चला तुम्हारे पथरी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो हमारी कक्षा 5 मम्मी ने बता दिया था। मैंने कहा ठीक है अब क्या होगा, कि बोला ऑपरेशन होगा। हमने कर दीजिए, हमें लिटाया गया, ऑपरेशन, उन्होंने पेट काटा, पथरी निकाली, पेट सिल दिया, भेज दिया, हम ठीक हो गए। 2 दिन बाद हमारे फिर पेट में दर्द हुआ, हम फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, उनके अब क्या दिक्कत है, हमने फिर पेट में दर्द हो रहा है। वही प्रक्रिया फिर चलाई गई, बाद में पता चला यार गड़बड़ हो गई। हमने क्या हुआ, यार इसमें तो कैंची रह गई। बाबा
दर्द सुना रहा हूँ भाई साहब आम जनता। सही बात है। हमने अब क्या होगा, फिर काटना पड़ेगा, हमें फिर ले गए, फिर काटा, कैंची निकाली, फिर सिल दिया, फिर भेज दिया, हमारे दो दिन बाद फिर दर्द हुआ, हम फिर आए, प्रक्रिया वही चली, पेट खोला गया, क्या है कि अब की बार कॉटन रह गई, मैंने कि डॉक्टर साहब अब की बार रुक जाओ, मैं ऑपरेशन थिएटर से निकल के गया, सच बता रहा हूँ, और जाके संजय पैलेस से जाके एक चैन लेके आया, बोला डॉक्टर साहब ये टांके मत लगाओ, अब की बार ये चैन लगा दो, कोई चीज़ रह जाए तो खोल लो निकाल लो बंद कर दो, खोल लो निकाल लो बंद कर दो, ताली बजाओ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, आ जाओ, आओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। काली शर्ट वाले ने काली शर्ट वाले को माला पहनाई है ना, इनके भाईचारा बना रहना चाहिए। नहीं, अजीब सिलसिले होते हैं यहाँ पे। वो भाई साहब आप विदिशा से आए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक अलग व्यवस्था है पुलिस वालों की। अच्छा, उनको भी कैसे भूल जाए, उनका नाम नहीं लिया तो बुरा मान जाते हैं। हाँ। तो हमें जाना भी है, सच बता रहे हैं, हमारे दाऊ जी की पुलिस तो बहुत बड़ी है, मैं तो आगरा की पुलिस के विषय में बात कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यवस्था की गई कि साहब एक टेस्ट होगा, देखते कहाँ की पुलिस कितनी बढ़िया है। तीन देशों की पुलिस बुलाई गई, आनंद लेना भाई साहब, तीन देशों की पुलिस बुलाई गई, अमेरिका की, चीन की और भारत की। एक कंपटीशन हुआ कि कुत्ते को जंगल में छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले पकड़ के ले आएगी वो उसको खिताब मिलेगा सबसे बेहतरीन पुलिस का। ठीक है, अमेरिका वाली पुलिस गई साहब 4 घंटे में पकड़ लाई, चीन वाली पुलिस गई साहब 2 घंटे में ले आई। अब हमारे दरोगा जी गए अपनी जीप में 4 कॉन्स्टेबल के साथ, 3 दिन हो गए वापस नहीं लौटे। क्या बात है। अब दोनों देशों की पुलिस उनको ढूंढने गई, 2 दिन बाद मिले, गधे को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका के पीट रहे थे। सबने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, बोला ये हमारा स्टाइल है। बोले कैसा स्टाइल है, हमारा ऐसा स्टाइल है कि हम गधे को तब तक पीटेंगे जब तक ये कबूल नहीं कर लेता कि यही कुत्ता है। वाह, क्या बजाओ इस बात पर तालियां। वाह 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 वाह, समय कम। हाँ, आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है, आइए। हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं। कौन है हम, वो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग ये कह के भूल गए, उन्होंने परमाणु बम बना लिए तो बैठला गए। उनको नहीं मालूम कि जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घुमा करते थे तब हमने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। क्या बात। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रख के प्रत्यंचा तान दी तो 7 सागर खोल जाते थे। उनके वंशज हैं हम, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, गर्व करो। हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं। हम डरे नहीं प्रतिकारों से, ना दुश्मन की ललकारों से, बचपन से अब तक खेल रहे बरछे भाले तलवारों से। जन गण मन अधिनायक जय हे, नित वंदे मातरम गाया है, इस सर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर तिलक लगाया है। तो पृथ्वी पर निहित धरातल में हम मुख्य केंद्र के बिंदु हैं, दो राम विश्व में गूंज रहे, हम वही कोठारी बंधु हैं। दुश्मन के लिए हलाहल हैं, मित्रों के अविरल सिंधु हैं। अंतिम पंक्ति आपके लिए, दुश्मन के लिए हलाहल हैं, मित्रों के अविरल सिंधु हैं, छाती चौड़ी कर भ्रकुट तान, सब कहो गर्व से हिंदू। बोलिए एक बार जय जय श्री राम। अंतिम पंक्तियां देता हूं, तालियों के साथ विदा करिए ना बड़े कवियों के सम्मान, सुनिए। पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे वो खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान। होली हाथ भाई दोनों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय हिंद। होली का मौसम अभी बीता नहीं है, और उस होली क्योंकि हमारे ब्रज में तो फागुन के बाद भी होली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, कवि सम्मेलन सुने बिना होगा ही नहीं उद्धार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। सुनिए एक बहुत बड़ी घटना कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, घर वाली रसिया सी तन गई हम हो गए यूक्रेन, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। अरे बुरा न मानो होली है होली का है हुड़दंग, बुरा न मानो होली है होली का है हुड़दंग, कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की भंग, काट रहे जम के आज बवाल, बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल, बजाओ तालियां। एक प्रश्न देता हूं आपको पहचानना, स्वागत किसके विषय में बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। माघ मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना, बढ़िया ताली नहीं आई इस बात, सोचने में लग गए कौन है। आंख मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना, इधर से आलू डालें भैया उधर निकालें सोना, इनकी हाँ इनकी इटली में ननिहाल, बजाओ तालियां, ओ इनके जीजा वाला माल, बजाओ तालियां। एक और पढ़ता हूं आनंद लेना, कहें केजरी सब झूठे हैं हम सच्चों के बाप, कहें केजरी सब झूठे हैं हम सच्चों के बाप, हो गए गिरफ्तार मंत्री जी आपने छोड़ी छाप, किसी भी आई वाली बाड़ मां बजाओ तालियां, होली कट है अब तिहाड़ मां बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद।